सर जी आपका ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? इसका नाम है ज़ेंड्रम। ये मैंने पहली बार देखा और हैरान करने वाली चीज है यार। ये बड़ी पाजी, ये मल्टी टैलेंटेड मशीन है, इसमें कार्ड डालो पैसे भी निकलते हैं। पांडे तू भी यही रख ले, तू इतना क्यों भारी बर्तन लगा के बैठता है इतने सारे? जगह भी घेरी स्टूडियो में, ये चार लोग ज्यादा बैठ के देखेंगे। आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ी गलत है। ये तो हमने बोला था भाई राइटर जी, ये क्या हो रहा है? तुम संगीत की बुलेट ट्रेन हो यार, इतनी तेज गाते हो। मेरी बात तेरी बात नहीं, 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 तो मतलब इतना तेज। 3, 2, 1, तालियां। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी इन दिनों स्कूल्स में एग्जाम्स चल रहे हैं। अच्छा, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, खासतौर पे माएं। वो क्यों? जॉइंट फैमिली में यही होता है कि मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बच्चे से 2 नंबर ज्यादा है। इस चक्कर में बच्चों को बड़ी टेंशन देते हैं। अच्छा, अब तो खैर सिस्टम बदल गया है, बच्चों को मार वार नहीं पड़ती। हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, तभी हम डॉक्टर वगैरह नहीं बन पाए। सवाल भी बड़े अजीब अजीब आते थे। छोटे से बच्चे को पूछते बाबर भारत कब आया था, हम रात को जल्दी चरजाई लेके सो गए, हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी रात को घर कब आए थे। आप इतने इतने बड़े सवाल पूछते हो बच्चों से। अच्छा, मुझे याद आया एक बार हमारे पाजी हैं, एक शमशेर पाजी। कुछ बच्चे जो होते हैं ना बड़ों की इंसल्ट बड़ी करते हैं, जैसे शमशेर पाजी को बच्चे ने पूछ लिया कॉन्वेंट स्कूल वाले ने, अंकल पॉम ग्रेनेड की स्पेलिंग बताओ। उनको समझ ना आया कि पॉम ग्रेनेड क्या होता है। अंकल पॉम ग्रेनेड की स्पेलिंग। कहते बेटे वो क्या मतलब? अंकल अनार। अच्छा अनार, बेटे ए एन आ की मात्रा अनार। अंकल ये इंग्लिश में स्पेलिंग बताओ। कहते बेटे हिंदी में भी टेस्ट सेम ही होता है, कोई बात नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आप याद कुछ करके जाते हो, आ कुछ जाता है। जैसे हमारे एक लाला जी हैं, वो ताजमहल पे ऐसे याद करके चले गए, उनको आ गया लाल किले पे। अब उनको समझ ना आए करें क्या, उन्होंने शुरू फिर ऐसे किया, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, ये दिल्ली में पड़ती है, प्रधानमंत्री हर साल भाषण देते हैं यहाँ से ठीक बाहर एक बस स्टैंड है, वहाँ से बसें आगरा को जाती हैं, और आगरा ताजमहल के लिए बड़ा मशहूर है। आगे सारा ताजमहल का चेप दिया। अच्छा, कुछ बच्चे जब फेल हो जाते हैं मम्मियाँ बड़ा सपोर्ट करती हैं, बाप मारा तो मम्मी भी जाती है, रहने दो क्या कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है, आप भी तो शादी वाले दिन घोड़ी से गिर गए थे, आपसे शादी की है ना मैंने। अच्छा, आप एक बात नोट करना भाई, एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे सडनली धार्मिक हो जाते हैं। हाँ। मंदिर हो गुरुद्वारा सब भगवान को याद करके आगे हाथ जोड़ के जाते हैं। ये अपना पांडे इंग्लिश के पेपर से पहले चर्च जाता था, कहता हो ना हो इंग्लिश में तो चर्च वाले बचाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे एग्जाम वाले दिन 10 रुपए की दूध की थैली चढ़ा रहे होते, भगवान 10वीं पास करवा दे। भगवान बोलता भी एक दिन दूध की थैली चढ़ा के तुम पास होना मांग रहे हो, इस हिसाब से पंडित का तो प्रधानमंत्री होना बनता है जो रोज पूजा कर रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं, आपको लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिंदगी के इम्तिहान में से गुजर रहे हैं, कोई आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब। सत श्री अकाल कपिल सर, सत श्री अकाल सिद्धू पाजी, मैं चंडीगढ़ तो आया। अच्छा जी, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था ना वो बहुत ही यूनिक था। क्या हुआ? जब मैं अपने हमसफर को चूज करने गया था तो मेरी होने वाली बीवी तो उन पर शब्द आपने इस्तेमाल किया हमसफर, तो ऐसा हुआ कि होने वाली बीवी पर कम नजर और मेरे जो मदर इन लॉ मेरी सासू माँ उन पर ज्यादा मेरी नजरें थी। हाँ जी, हाँ, मैं देखे बड़े बड़े लाइन मारने वाले देखे, तेरे जैसा नहीं देखा गुरु। पर ऐसे क्यों, आपकी नजर उन पे क्यों थी? शी इज अ स्कूल प्रिंसिपल। अच्छा, तो तब मेरी परसेप्शन ऐसी नहीं थी, पर जब मैं गया अपने हमसफर को देखने के लिए तो ऐसे जैसे कि कोई जॉब इंटरव्यू हो रहा हो, ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे कि मैंने जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स दिए हैं, मैं बैंक में काम करता हूं, तो अच्छा वो नहीं मुझे इतना टफ लगा जितना मुझे मेरी सासू माँ का एकदम लगा। क्या पूछ रही थी? बीवी को खुश रखोगे, हनीमून पे कहां ले जाओगे, और कुछ ऐसे सवाल भी पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? जो उनके साथ नहीं हुआ वो चाहती है ना कि बेटी के साथ ना हो। भाई एक बार होता है ऐसे, तो मैं क्या सवाल पूछ रही? अरे हद कर दी एकदम, पूछ लिया कि बच्चों के नाम क्या रखोगे। उनको बोलो देखिए आप जब बच्चों को एडमिशन देते हैं पहले छोटे टेस्ट होते हैं फिर मंथली एग्जाम होते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है ना साल बाद, तो अभी कैसे हमसफर आपके साथ आई? नहीं अभी तो मैं तो फिर हमसफर किस बात के हुए? हमसफर
हम सफर अभी चंडीगढ़ में है, उनको छुट्टी नहीं मिली थी तो मैं वो क्या करती है? वो भी बैंकिंग में ही है सब। अच्छा, हाँ आप भी बैंक में? हाँ जी, गवर्नमेंट बैंक में हम। अच्छा, जब ये 500 के नोट बंद हुए थे, हाँ जी, आपका तो बहुत काम बढ़ गया होगा। हाँ जी बिल्कुल, दोनों मियां बीवी बैंकिंग में, वही तो एकदम। तो सासू माँ ने कहा नहीं बच्चे तो और लेट हो गए? अभी शादी को कितने साल हो गए? 2 साल हो गए हमारी। 2 साल हो गए। हाँ जी सर। तो कुछ हुआ ऊपर वाले से? दुआ करते हैं। अबे खट यार तुझे आज मेरा छोड़ यार। चलिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं आगे चल के कोई नोट ना बंद हो ताकि आपका अकाउंट खुले। शुक्रिया ब्रदर शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो सस्रीकाल सिद्धुआ जी। सस्रीकाल जी। एंड सर, मेरा इम्तिहान लाइफ का इतना बड़ा ये था, जैसे ही मेरी शादी हुई और मैं मुंबई पहुंची, हाँ जी, और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले, और अकेले ही होते हैं मियां बीवी और कौन होता मतलब इस पंजाबी बॉय वेरी फूडी, और मैंने सुना था ही इज परफेक्ट इन मतलब कुकिंग और चॉपिंग एवरीथिंग। तो मैं कहा आप बाहर बैठिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं दाल सब्जी फटाफट बना के लाती हूँ। बट जैसे ही मैं स्टार्ट करूँ वो किचन में, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं थोड़ा अनियन चॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, शादी में भूख खाने में कहाँ ध्यान होता है इतना? सर, सब होती है वो, वैसे किचन में आपके चक्कर में आए होंगे सर। मतलब मुझे लग रहा था कैसे इतना अच्छा खाना बनाऊं कि दिल में प्यार जगा पाओ। इम्तिहान मेरा वही था लाइफ का। उनसे तो पूछ के देती, उनके दिमाग में खाना होगा ही नहीं उस समय। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा, ये नई नई शादी होती है, पति किचन में भी आ जाते हैं, यही 10-12 साल निकला है, बेडरूम में भी नहीं आते, हॉल में ही सो जाते हैं। तुम सो जाओ, मैंने खाना खा लिया, मैं थक गया अभी, ठीक है? He loves me and my food. अगर वो ज्यादा फूडी है ना तो आप अपना नाम मिक्स वेज रख लो ऐसे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया शो में आने के लिए। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक ऐसी जबरदस्त जोड़ी है जिन्होंने बॉलीवुड में ढेर सारे सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स दिए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच अपने फेवरेट को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर सलीम एंड मिस्टर सुलेमान। आपने आते ही सिद्धू पाजी का फेवरेट गाना गा दिया, नहीं तो सिद्धू पाजी बहुत कम डांस करते हैं। गीतों के स्टेडियम में, गीतों के स्टेडियम में संगीत की कमेंट्री करते हैं, झूम उठती है महफिल जब ये दोनों एंट्री करते हैं। ईंट पत्थर के मकानों में नहीं रहते ये, ऐसे कलंदर तो सीधे दिल में रजिस्ट्री करते हैं। पटाक, बहुत मजा आया सर, आइए आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा पाजी, कुछ नाम ऐसे होते हैं जोड़ियों में लेते तो मजा आता है, जैसे सलीम सुलेमान। हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे डायरेक्टर्स बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने जोड़ियों में काम किया, और ये दोनों भाई हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भाई, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, इतनी बार मुलाकात हुई, आप में से बड़ा कौन है? आपको क्या लगता है ये? अरे नहीं यार, वो मैं समझ गया, अभी आप अपनी उम्र बचाने के चक्कर में। कभी कभी सच भी बोला करते हैं हम। अच्छी बात है सर, जैसे सलीम सुलेमान हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सलीम पहले रखा गया और उसके बाद सुलेमान। एक्चुअली कपिल्स भाई, यू नो इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब हमने शुरुआत की तो लोग ही बुलाने लग गए सलीम सुलेमान, अरे वो सलीम सुलेमान को बुलाइए, क्योंकि हमने बहुत सारे गाने दूसरे कंपोजर्स के लिए अरेंज किए, प्रोग्रामिंग की उनकी, तो ये इंडस्ट्री ने नाम दिया हमें, हमने कभी ऐसा नाम बनाया नहीं हमारा। अच्छा, तो आप खाली गाने बनाते जाते थे? हम गाने बनाते थे, और नहीं नहीं हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे कंपोजर्स के लिए, तो इंडस्ट्री में चर्चा होती थी कि अरे सलीम सुलेमान अच्छा काम करते हैं, उनको बुलाइए। पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी IPL के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक गाना बनाया है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कभी, अकेले जा रहे हो, किसने आगे बुलाओ सलीम सुलेमान आपका ऑटोग्राफ? तो बहुत बार हुआ है अकेले के साथ। हम हमेशा कहते हैं दो जिस्म एक जान। अच्छा, आप साथ में म्यूजिक कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए, लाइव शोज में आप साथ जाते हैं। अच्छा, जब इंडियन आइडल में जज बनने का टाइम आता है तो आप अकेले बैठ के जज करते हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं आता कि भाई भी बैठ के पैसे कमाए आराम से? अगर हम सुलेमान और अगर मैं साथ में हो जाएंगे जी तो वो कंटेस्टेंट को 2 वोट मिल ही जाएंगे, राइट? तो यही चक्कर था कि यू नो व्हेन दे, बिकॉज मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे सुलेमान के साथ में ही रखो जी, हमारी जोड़ी है उनको तोड़ो मत। बट ऑब्वियसली हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अन्नू जी टिके ही रहे हैं वहां जी, उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। अन्नू जी तो पेंशन लेके निकलेंगे वहां से। और एक फीमेल जज का बनता है क्योंकि वो एक थोड़ा सा ग्लैमर एलिमेंट आता है, तो उन्होंने सोचा था कि season 5 में सुनिधि का जिक्र किया था। चलिए बहुत अच्छा, आपने ऑडियंस को पूरा क्लियर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, नहीं तो बहुत लोगों के मन में सवाल था कि रियलिटी शो के टाइम पे दोनों अलग तो नहीं हो जाते हैं? ये सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल तो आपका ही था वैसे, बट एनीवे ये बच्चों के सवाल थे यहाँ पे जो आए हैं।
मैंने सुना कि जब आपने हौले हौले गाना जो सुखविंदर पाजी ने गाया वो आपने 9 घंटे में ही बना दिया था गाना। हाँ सर, जो स्क्रिप्ट से ही निकला था वो फ्रेज हौले हौले हो जाएगा प्यार जी, तो उसका जो मेन हुक है वो तो वहां से ही निकल गया। और फिर कीबोर्ड पे आते ही मैं ऐसा मेरा हाथ लग गया, कभी कभार ऐसी आमद आ जाती है, हो जाता है, होता है ऐसे कभी कभी। आदित्य चोपड़ा को वो बहुत पसंद आया वो पीस, और सुलेमान को भी बहुत पसंद आया, इसे यार ये तो रखते ही है, इसको थीम बना देते। और फिर सुलेमान ने ठेका लगाया, कमाल है। मैं मतलब हौले हौले उसके लिरिक्स ऐसे 9 घंटे में बनाया, अगर गाना होता तेज तेज सी हवा तो आप क्या 9 मिनट में बना देते। ऐसे हम सोचते रहते हैं फालतू की बातें। भाजी बड़ा प्यारा गाना है, आप सुनना चाहेंगे? फिल्म भाजी थोड़ा सा हो जाए दो लाइनें उसकी। सर एक बात बताइए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है कि बीवियों के साथ? मैंने तो कह दिया दो जिसमें एक जान सलीम सुलेमान। ये तो है बिल्कुल। तो फिर बीवियों को परेशानी नहीं होती कि आप सारा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें? बीवियों को बहुत परेशानी होती है एक्चुअली, होती है बीवियों को। हाँ, मगर उन्होंने हमें त्याग दिया, बोले जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इतनी अच्छी बीवियां पता भी होता है ना, स्टूडियो में बैठे होंगे म्यूजिक कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं घूमने फिरने का काम करते हो तो कभी ना जाने दें आपको शायद, ऐसे होता है। देखिए घूमने फिरने वाला ही तो काम है। हम वैसे काफी घूमते फिरते। अच्छा जी। हाँ, शोज़ वोज़ में जाते तो घूम फिर ही रहते। तो वो साथ नहीं जाती हैं वाइफ्स? कभी कभार, कभी कभार जाती हैं, जब साथ में लेडी सिंगर जाती हैं बस। सर एक रेडियो पे शो करने जा रहे हैं सलीम भाई, जिसमें बड़ा एक्चुअली खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये आरजे बने हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट गाने जो हैं लोगों को सुनाएंगे, पुराने गाने भी और उनके पीछे के किस्से भी। कुछ किस्से हमारे साथ भी शेयर कर लो सलीम भाई। रिकॉर्डिंग हो रही थी जय जय शिव शंकर की। अच्छा। और आर डी बर्मन जी ने गाना बनाया, ऑफ कोर्स जी ओम प्रकाश इनके निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे। ओके। और 50,000 रुपये खर्च हो गए उस जमाने, तो जी ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे, अरे गाना इतना खर्चा हो गया फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ गाने में कुछ बात नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ दम नहीं है। राजेश खन्ना जी थे वो रिकॉर्डिंग में, और किशोरदा भी थे जाहिर है, तो राजेश खन्ना जी को ज़रा ख़राब लग गया, बिकॉज यू नो जी ओम प्रकाश जी कहते जा रहे थे 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए, तो उन्होंने जाके किशोरदा के कान में कुछ कह दिया। किशोरदा हंसने लग गए और हंसते ही रहे, हंसते ही रहे, हंसते रहे, और उन्होंने पंचमदा को कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, मैं इस गाने को मज़ेदार बनाता हूँ। तो रिकॉर्डिंग हुई, गाना मुखड़ा आया, अंतरा हुआ, म्यूजिक चले, फिर आखिर में कोडा में जब टेम्पो बढ़ता है और कोरस वगैरह सब हैवी हो जाता है, तो किशोरदा रिकॉर्डिंग में चिल्लाने लगे, 50,000 दिए, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, और जोर से बजाओ। वो गाने में भी आया, फिल्म में भी, गाने में भी शामिल है, आज भी वो अगर आप सुनेंगे गौर से तो रिकॉर्डिंग में किशोरदा चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 दिए, ईमानदारी से बजाओ। तो किशोरदा ऐसे कमाल के पागल आर्टिस्ट थे, वो किस्मत थी वो, क्योंकि पंचमदा ने कहा कि ये गाना जब भी किशोरदा कुछ ऐसा अतरंगी पागलपन करते तो गाना हिट हो जाता है। और वो आर्टिस्ट थोड़े तो होते हैं ऐसे। तो आपने तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है जी। सबसे मैड सिंगर आपको कौन सा लगता है? सुखविंदर सिंह। आई लव यू पाजी। एक्चुअली एक ही आदमी है मेरे हिसाब से, सुखविंदर सिंह जैसा सिंगर इंडस्ट्री में नहीं है एक्चुअली, देयर इज नोबडी लाइक हिम। किशोरदा थे, रफ़ी साहब थे, और मेरे हिसाब से आज के दौर में एक यूनिक सिंगर अपनी खुद की आवाज़ इस सुखविंदर सिंह। क्या बात। को म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते हैं 3 मिनट का गाना गाने, वो 3.5 घंटे का गा के निकल जाते हैं, फिर उनमें से निकालते रहते हैं, खुला गाते हैं। अब वक्त है उस टैलेंटेड सिंगर को यहाँ बुलाने का, जिन्होंने सलीम सुलेमान की जोड़ी के साथ तो बेहतरीन गाने गाए हैं, साथ में कई सारी भाषाओं में अपने सुपरहिट गाने जो हैं वो इस इंडस्ट्री को दिए हैं। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी स्टाइलिश मिस्टर बेनी दयाल। क्या बात है बेनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बनती हैं और जोरदार। आइए सर, इतने हाई नोट्स आप लगाते हो ना, और इतने मजे से लगा देते हो। थैंक यू। अरे सुनकर उनके गीत खुल जाते दिल के गेट हैं, सुर और संगीत से उनका रिश्ता मानो सोल मेट है। वाह, क्या बात है। सोल मेट आपने कहा, बड़े सही मौके पे कहा। इनको अभी अभी इनकी सोल मेट जो है मिली है, आपकी नई नई शादी हुई है, मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा फील कर रहे हैं शादी के बाद? अच्छा फील। रियाज में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो उनको वैसे कभी गाना सुनाया नहीं आपने अपनी वाइफ को? हाँ मैंने सुनाया। कौन सा? एक्चुअली मेरी वाइफ की भी
फेवरेट गाना वो है कैसे मुझे तुम मिल गई। सर बड़ा खूबसूरत गाना है। बाकी कॉर्ड भी बंदे ने दे दिया, बारी कॉर्ड भी आ गए, समझ गए होंगे कि वाइफ का नाम कैथी है। तो शुरुआत से ये कैथी मुझे तुम मिल गई, कैथी मुझे तुम मिल गई, तो ये किस्मत पे आए ना यकीन। वाह कैथरीन, आपको बहुत ही प्यारे हस्बैंड मिले हैं। चले आम टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही इज मैरिड, इज अ जेम। थैंक यू, थैंक यू, आई लाइक दैट। बोले आप तो रहमान साहब से आप पहले भी मिल चुके थे इस गाने से पहले? मैं सर के साथ अब काम कर रहा था एक साल से। अच्छा। 2006 में सर को मिला था और तब से मैं काम कर रहा था उनके साथ, तो अच्छा लगा और इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आया और इट वाज अनफॉरगेटेबल। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। सर रहमान साहब किसी और भी एक आदमी को कह के गए थे कि यू वांट टू सिंग, आई विल मेक यू सिंग। वो आदमी आज तक फोन का ही वेट कर रहा है। कौन? कपिल शर्मा। अच्छा। तो वो ऐसे मतलब जैसे कभी बोल के जाते हैं किसी को कि फोन करके बुलाएंगे तो बुलाते हैं? जरूर बुलाते हैं। एक्चुअली ना मैं ये जानता हूँ क्योंकि रहमान सर के साथ हम जब मैं शुरुआत में रिकॉर्ड कर रहा था, यू नो इट वॉज डेली एंड मंथली जस्ट रेगुलर रिकॉर्डिंग्स वर्क, एंड फिर कुछ साल बाद बंद हो जाता है, लेकिन फिर ही विल रिमेंबर यू और सही तरह का गाना जो आपको सूट होता है ही विल कॉल यू, आपको गवाएंगे, ये तो जरूर होएगा ही। ओके आई एम वेटिंग, आपका नंबर आएगा। एक्चुअली बैनी को आप फर्स्ट लुक में अगर किसी अनजान आदमी को दिखाएं जिनको पता ना हो बॉलीवुड का, तो वो यही समझेंगे कि इनके दो रिवॉल्वर होंगे साइड पे और पीछे इनके डॉन जैसी पर्सनैलिटी, पर बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका। थैंक यू। और बहुत खूबसूरत गाने गाते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं आप। थैंक यू सो मच। बैनी ने सलीम सुलेमान सर के साथ काफी सारे गाने गाए हैं और उस गानों के पीछे कुछ ना कुछ किस्से भी हैं और कुछ गाने तो आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। अच्छा मैंने एक आपका जैसे आपने ये वाला गाना गाया कि एमी एमी लुट गया, मैंने देखा बहुत सारी चीजें जो अपनी निजी जिंदगी में होता है कि चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, चलो आइडिया आता है कि चाय पी रहे होंगे और डूब गया बिस्कुट, तो लाइन आ गई। इसका पॉकेट में रॉकेट वाला आइडिया कहां से आया? यार ये तो जयदीप सहनी को पूछना पड़ेगा, बिकॉज उसने गाना पूरा लिख के लेके आया था कि ये गाना पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट। कपिल आप बोल रहे थे वो जो चाय में डूबा बिस्कुट, जी तो वो एक्चुअली हमारे स्टूडियो में एक रिवाज है कि हम लोग 4:30-5 बजे सब लोग बाहर बैठ के एक साथ में चाय पीते, चाय खाना खाए ना खाए चाय पीते, चाय साथ में होती है और चाय के साथ में बहुत सारे बिस्किट लगे हुए रहते हैं, और अमिताभ भट्टाचार्य के लिए वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था, उसने कभी देखा नहीं है। एक तो वो चाय डुबा के जो बम्बई स्टाइल में जी बिस्किट डुबा के खाते, बहुत बार बिस्कुट सारी चाय पी जाता है पता है। आप 2-3 बिस्कुट बोलो तो बिस्कुट पी जाता है। करेक्ट। तो उसने वो देखा नहीं था कभी, उसको लगा कि इतना बड़ा कप चाय आया तो इतना कप चाय के किसके लिए चाहिए, तो हम लोग बैठ के सब बात कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, तो उसने वहां पर ये देखा चाय में डूबा हुआ बिस्कुट, एंड ही रोट दैट। क्या क्रिएटिविटी है। उसको आपके पैसे दिए आपने क्योंकि चाय तो आप ही की थी, अभी पी के तो आइडिया आया उनको, तो बोले चाय और बिस्कुट के पैसे काट के देंगे। अभी सलीम सुलेमान और बैनी ने आईपीएल के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत गाना बनाया, 10 साल आपके नाम, आप तीनों यहाँ पे मौजूद हैं सर, तो आईपीएल का वो गाना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। All right, let's go. पहन के इंटरनेशनल रॉक स्टार लग रहे हैं, पहली बात तो ये लुक देखिए आप, क्या है क्या बात। नमस्ते नमस्ते, व्हाट इज अप, यू आर चुटिया इज अप, वाज अ लॉन्ग टाइम नो शी, नो शी, लॉन्ग टाइम नो शी, नहीं नहीं काफी टाइम से ही बन के आ रहे हैं ना, लॉन्ग टाइम नो शी। बनी दयाल जी क्या है हमारे बारे में ख्याल जी, है देखिए आता ही हमने एक राइमिंग भी ठोक दिया। वैसे आप दोनों के तो हम बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े, बहुत, वो बहुत आप लोगों ने वो जो फिल्म लिखा है ना शोले, ओ हो हो, अच्छा। ये सलीम जावेद नहीं, सलीम सुलेमान है म्यूजिक डायरेक्टर। अरे 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 माय हेलो पहुंची, हेलो माय हेलो पहुंची, लो पहुंची, गलत समझ ली।
आप लोग तो दिगंदाज मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कमाल का म्यूजिक देते हैं आप। अभी अभी हमने सुना आपने आईपीएल में भी ऐसा गाना दिया है, तो ये आईपीएल वाला फिल्म आ कब रहा है? अच्छा, इन्होंने मैच के लिए गाना बनाया? नहीं नहीं, लेकिन मैच के लिए तो स्कोर बनाते हैं ना। वो तो खिलाड़ी बनाता है ना। लेकिन खिलाड़ी तो रन बनाता है ना यार। तो रन और स्कोर एक ही बात हुई ना। ले लीजिए, ये आदमी का सुन लीजिए, रन और स्कोर एक बात हो गया। ये तो अभी थोड़ी देर में बोलेंगे कि दुनिया गोल है। तो दुनिया गोल ही है। अच्छा, तो ऐसा वर्ल्ड कप होता है तो लोग क्यों कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं? गोल है तो कोना किधर से आया? ना दुनिया में कोई कोना है, ना तेरे शरीर में कोई कोना है। कोना ही गोल है। बात घुमा के हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल कर दिया इन्होंने तो। ठीक है यार, कोई नहीं, लेकिन कमाल का गाना बनाया आप लोगों ने। 10 साल आपके नाम। लेकिन ये तो मैं रियलाइज नहीं किया है, आप लोगों ने इटर्नल गाना बनाया है। अच्छा, अगले साल भी चेप दीजिए। 11 साल आपके नाम, 20 साल, 25 साल, 30, 90, 99। पढ़ाते जाइए। हाँ, वैसे एक बात बताइए सलसुल जी। सलसुल जी क्या होता है? अरे सलीम का हमने सल लिया है, सुलेमान जी का सुल लिया है। यार पूरा नाम लेंगे ना, टाइम थोड़ा कम रहता है, माफी चाहेंगे। तो इसके लिए ऐसा सलसुल जी। तो सलसुल जी, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ना हमारे फूफा के ऊपर एक गाना बनाइए, क्योंकि हमने सुना है कि आपने फीफा पे एक गाना बनाया। अब अगर फीफा पे हो सकता है तो फूफा पे बनता है। आन के तो फूफा और फूफी दोनों है भी फुटबॉल जैसे ही। प्रमोट करना चाहते हो? अब शर्मा यार, आपने इस साल वो अपना इनकम टैक्स नहीं भरा? भर दिया? कब का भर दिया? मैंने ट्वीट हमने अब तक देखा नहीं। हमारा फूफा के बारे में कुछ बोलेंगे ना, हम भी 3-4 तैयार करके लाए हैं। आई विल गिव यू ट्वीट फॉर टैट। अरे शुक्रिया शुक्रिया। क्या बताएं। वैसे बेनी जी एक बात बताइए। हाँ जी। आपके घर में एक रेजर होगा, रेजर। हाँ। आप बड़ा कंफ्यूज करके रखते होंगे ना, उसे लगता होगा यहाँ जाने वाला है लेकिन अचानक यहाँ चला जाता। शैम्पू भी आप यहाँ से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? सिर्फ इधर। अरे सिर्फ इधर, क्या लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बट आई लाइक योर स्वैग। थैंक यू। हमारे अंदर भी है, है कि नहीं? देख, बहुत है, बहुत। अरे है कि नहीं? स्वैग बहुत है। थैंक यू थैंक यू। वैसे ना म्यूजिक हमको बहुत पसंद है। कैसे? बहुत ज्यादा। एक गाना सुनाओ ना। वो डिफिकल्ट है। वैसे बेनी जी एक बात बताइए, आपका गाना आया था उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे। वो गाना हमने ऐसा वीडियो में देखा तो उसमें तो ऐसा हीरो हीरोइन का काफी ऐसा किसिंग विसिंग भी चल रहा था। तो गाना गाते समय ये किसिंग का आवाज कैसे निकालते हैं, मतलब माइक के साथ? कैसे होता, कैसे? अच्छा, सारे साउंड सिंगर थोड़ी ना निकालते हैं। हाँ यार, जो और भी लोग होते हैं। अरे ये क्या है यार, मतलब मजे वाला काम आपसे कराया ही नहीं। यार, I feel bad for you. My heart is bleeding. यार कोई नहीं। वैसे आज से 3 साल पहले आपने हमें बताया था कि लोचाए उल्फत हो गया। तो अब तक तो 3 साल का हो गया होगा, स्कूल भूल जाता है कि नहीं? इनका गाना है वो, बेटा थोड़ी ना चलने लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो? एक्चुअली टाइमिंग सही था, 2014 में हुआ था, तभी तो मुझे लव भी हुआ था। अरे क्या बात है, फिर तो हो लोचा हो ही गया था। हो ही गया था, होगा कहीं ना कहीं, आपको पता नहीं है ठीक से। यार कोई नहीं यार, होता रहता है। माय एलोपॉजी, एलोपॉजी रॉन्ग ऐसा हो गया। खैर लोपोजी। वैसे हम आपको बताएं, आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, आप लोग इतने कमाल के गाने गाते हैं ना, ओए म्यूजिक देते हैं, गले का इतना इस्तेमाल करते हैं, गला थक जाता होगा नहीं? कभी नहीं, हम आपके गले के लिए गिफ्ट लेकर आए। आइए आइए आइए। ये फांसी का फंदा टाई है।
ये आपके गले के लिए, आपके गले के लिए पहले से पहन के बैठा। अरे पंकी स्वैग, आई लाइक इट, ये आपके लिए टाई है। क्या बात है, आजकल आईपीएल में भी रहते ना आप लोग, किसी भी मैच में टाई हुआ तो टाई गिफ्ट दे दिया चलता रहता है। जोक नहीं सुनाया आज कोई? अरे बहुत ज्यादा माहौल बन जाता है, मजा आ जाता है लोगों को। अरे वो लेकिन थोड़ा सा ऐसे, अरे क्या, नहीं 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 यार, जोक क्या, जोक हमारा ना जोक का काम है, ऐसे कलेक्शन रहता है हमारे पास, पर हम ज्यादा सुनाते नहीं है। एक एक सुना दो फिर। अरे नहीं 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 नहीं, चल फिर रहन दो। अरे नहीं ऐसे थोड़ी यार, आप ना देते। चलिए हमारी तरफ से जोक पेश है। अब जो सोमवार होता है ना, सोमवार, सोमवार को एकदम दिल से काम लेना चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों? बिकॉज इट इज मंडे। मंडे ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, किडनी बाहर निकाल के धो के वापस अंदर डालो। और एक और चाहिए, एक और, एक और चाहिए, एक और देते। एक बार एक साइंटिस्ट होता है, कौन होता है? साइंटिस्ट। वो अपने घर के बाहर ना जो बेल लगी होती है ना, वो निकाल देता है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उसे नो बेल प्राइज चाहिए। कुछ तो दवाई होगी सिद्धू जी, अबे फट जाएगा, फट जाएगा। बहुत ज्यादा माहौल बन गया यार। मिलता है सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आप लोगों से मिलकर, शुक्रिया। वाह पाजी, इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन आपने की है, सर आज कुछ लाइव हो जाए ऐसे ही। नहीं बेनी साहब, जब आप गाते हैं ना, यू टेक मी इनटू अनदर वर्ल्ड यार, द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, हैप्पीनेस। और मैंने एक लिटिल बर्डी टोल्ड मी कि जब आप गाते हैं कई बार आप उसके साथ डांस बड़ा जबरदस्त करते हैं, मून वॉक, मून वॉक बड़ी अच्छी करते हैं, जबरदस्त करते हैं, हो जाए यार, कम ऑन, वेरी, चलिए वहीं से शुरू करते हैं, कम ऑन यार, कम ऑन, मून वॉक बजाओ बजाओ। अच्छा ठीक है बेनी, एक तो गाना गाना, ऊपर से शरीर में कितने सौ हड्डियां होती पूरी उनको फ्लेक्स, आई मीन यू आर ग्रेट मैन, सुपर मैन, दैट वाज टू गुड। अभी पाजी एक मेरी फरमाइश बोलिए, इतने कमाल के सिंगर है कपिल भाई, एक गाना तो हो जाए। सर मैं ये सोच रहा था कि बेनी ने कहा ना कि आया कहां से ये हौसला, तेरा हौसला कैसे हुआ ये गाना गाने का? पर सुपर सर, ग्रेट कंपोजिशन, सुपर सर, थैंक यू सो मच, आइए सर। हेलो सलीम जी, हेलो बेनी जी, हेलो सुलेमान जी, ये क्या बन के घूम रहे हैं हम दोनों? जलालुद्दीन बादशाह अकबर हैं हम। जलालुद्दीन बादशाह, इतना बड़ा नाम रखा ना, इसी के नीचे दबके मरोगे किस दिन। ये नाम किसने रखा आपका? मौसी तू क्या बनी हुई है? हाय हाय, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल को नहीं पहचाना कप्पू, मैं ना अनारकली बनी हूँ। अनारकली? मैंने इसे कहा यार, अनारकली बनारकली तुम्हें सूट नहीं करता, अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो बैंगन वैंगन बन जाओ। हाँ तो बैंगन का तुम्हें बनाऊंगी भड़ता। खबरदार, हम बादशाह अकबर हैं। तो मैं बादशाह ही भड़ता ही बनाऊंगी, वैसे भी तू इतना सही है, तक करके बन जाएगा। चुप करो बदतमीज, वरना दीवार में चुनवा दूंगी मैं। दीवार क्यों वेस्ट करनी, इनको खिड़की में चुनवा दो जाए। सही है। हाय हाय बादशाह अकबर, बादशाह अकबर तो ऐसे होते हैं सिद्धू जी जैसे। लोग
ने शो संभाल रखा है, पंजाब संभाल रखा है, इतना कुछ संभाल रखा है, सुनिए सब कुछ संभाल रखा है, इस नाजुक कली को भी संभाल लीजिए। आय हाय मेरी जाने मन, मेरी छोटी सी कली, तुम्हें संभालने के लिए तो ये बड़ा सा गुलदान है ना। हाय हाय ऐसा गुलदान है, दिल चाहता है घुटने की चोट समझकर तुझे भूल जाऊं। शर्म नहीं आती आपको अपने आप को बादशाह कहते हुए? इनसे बड़ा कच्छा तो अकबर पहनता होगा, ये देख लो। पता सलीम जी, एक बार ना मैंने अपने पड़ोस के बच्चे को इनको स्कूल से लाने के लिए कहा, ये वहां गए, प्रिंसिपल ने बच्चा समझकर इन्हें पकड़ लिया। वो तो प्रिंसिपल से मेरी पुरानी सेटिंग थी, इसलिए मैं छुड़ा लाई। क्या तुम्हारी पुरानी सेटिंग थी? अच्छा, आपको छुड़ा लाई उसका क्रेडिट नहीं दे रहे, सेटिंग थी उसका, बड़ा दुख लग रहा है इनको। प्लीज मुझे भूल जाइए। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। हाय हाय मेरा छोटा सुनील शेट्टी। सुनिए आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते, चले जाइए यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, सलीम को नहीं बुलाएगी? सलीम जी जी अब चलिए मेरे साथ। वो क्यों जाएंगे आपके साथ, वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नाटक थोड़ी ना करते हैं। हाँ तो मैं अपना म्यूजिकल दर्द कह रही हूँ। हाय मेरी जिंदगी बड़ी बेसुरी हो गई है, मैंने सोचा था सैक्सोफोन जैसा पति मिलेगा और ये देख लो। और ये देख लो बांसुरी जैसा मिला है। सर आप लोग तो जानते हैं, बांसुरी हो या सैक्सोफोन, अगर टैलेंट हो तो सुर तो निकल ही आते हैं। जरूर। अब इन्हें तो बांसुरी मिली, लेकिन मुझे क्या मिला? ढोल। जोड़ी आपकी लगती है अच्छी, है ना? ऐसा लगता है एक छोटा तबला एक बड़ा तबला। आप दोनों जाके कहीं बजा करो। देखो तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे, तुम करो नाटक, मैं जा रहा हूँ। नहीं सुनिए सुनिए। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, तुम सलीम के साथ नाटक करो। और सलीम के साथ तो करूंगी, जाके मेरे लिए खाना तो बनाओ। अरे सड़ी हुई गोभी, अपना खाना अंदर आके बना। मैं अभी ने गैस पर चढ़ा के आती हूँ, आप रुकिए, इनके को डिश बनाती हूँ अच्छी सी। क्या जॉब? हेलो सलीम भाई, सुलेमान भाई, बेनी सर, आपके यहाँ पे फैंस हैं जो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आप एक एक करके जो भी पूछना चाहते हैं। जी मेरा सवाल बेनी सर से है। जी एक्चुअली सवाल नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे है, हमने सुना है कि आप मुंह से कुछ अजीब आवाजें निकालते हैं। हैं? वो मुंह से कुछ अजीब सा आवाज नहीं है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। अच्छा। और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है कजू, तो वो एक एक्चुअली एक अमरीकी एक बच्चों का एक खिलौना होता है। अच्छा। जो बच्चे खेलते हैं इसको बस ऐसे इसके अंदर गा सकते हैं आप जो भी चाहे, तो ऐसा करके आवाजें आते हैं। अच्छा। तो इसको लेके मैं क्लासिकल करता हूँ अपने शोज पे, तो लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो जाए, एक झलक हो जाए। गिव यू द माइक। सर, हम लोग दोनों बेनी सर के लिए कुछ प्रिपेयर करके आए हैं। सो इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर अगर आप भी हमारे साथ कुछ करो, परफॉर्म काइंड ऑफ। आपने क्या प्रिपेयर किया है? कैन वी कम देयर? श्योर, आइए। या प्लीज प्लीज कम। आप ही का गाना है। Oh.
यार ये आप जानबूझ के निकालते हो कि आपका निकल जाता है ऐसे आवाज आप मतलब इसको क्या बोलते हैं ऐसे जो करते हैं आप बीट बॉक्सिंग बीट बॉक्स भाई कुछ भी कहो गुरु छा गया तू बहुत 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 बढ़िया किया आपने थैंक यू सो मच अच्छा हमारे पास आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है एक काम करना अब लड़ाई ना करना हमारे पास एक ही फोन है मैं नहीं मैं चाहता हूँ कि आप लेडीज फर्स्ट तो आप इनसे छीन लेना बाद में थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी और कोई मेरे दोस्त जो हमारे स्टार्स के साथ बात करना चाहते हैं जी भाई साहब सर मेरा सवाल दोनों सर सलीम और सलमान सर जी से है जी लड़का के पूछ मेरा रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ सर सी से कि मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं ऑडिशन देने के लिए सिंगिंग के लिए सर अच्छा तो कौन कहाँ है आपके दोस्त सर यहाँ पे सर अब आपके दोस्त हो गए ये दाई तरफ वाला दोस्त जो इतना छोटा है यार दोस्ती सर करने के लिए कोई उम्र या फिर लंबाई या फिर कोई हाइट नहीं देखते हैं सर अरे वाह वाह क्या बात चक्का मार दिया चक्का सुनाओ सुनाओ क्या सुनाओ जी सुनाइए सर मैं बस एक लाइन सुनाना चाहूंगा सर बाकी मैं वेनी सर जी से सुनना चाहूंगा ये मेरा ऑडिशन थोड़ी है वो तो चल रहा है अच्छा काम काज चल रहा है अच्छा कर रहा है जी पान में पुदीना देखा नाक का नगीना देखा चिकनी चमेली देखा चिकना कमीना देखा पान में गुजर होके चौक किया तो सारे तारे बोले गिली गिली यक्का बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना बदतमीज दिल माने ना माने ना ये गाना वाकई बदतमीज था आप भी गाते हैं अच्छा तो आप भी सुना दो फिर आप कौन सा गाना खराब कर रहे अच्छा सॉरी सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू अच्छा अगर तेरे भी सपनों की रानी है तो सुना दे गुरु तू भी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बित जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया प्यार की गलियां हाय हाय क्या एंड किया भाई वाह 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 अच्छा इनके साथ ही चलना होता है ये आप ही के लिए बजा रहे थे सपनों की रानी ने नहीं आना ऐसे नहीं आएगी सपने में भी नहीं आएगी भाई साहब भी खड़े आप दोनों ने सुनाया तो भाई साहब आप भी आप कहां से आए मैं बॉम्बे से हूं अच्छा बांद्रा से अच्छा जी बैंड आप भी गाना चाहते हैं कुछ गाना अमित अच्छा। जी का गाना मुझे बहुत पसंद है जी हाँ भंग का रंग जमा हो चका चक फिर पग पान चबाए ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए ओ है के पान बनारस वाला है के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा करे कमाल सीधी कर दे सबकी चाल अचोरा गंगा किनारे वाला अचोरा गंगा किनारे वाला थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लव यू शुक्रिया चलो बात है इतना कॉन्फिडेंस ऐसे लग रहा है इसकी फोटो पे 5 से ज्यादा लाइक आ गए Excuse me, photos की likes की खुशी ना तुम जैसे लोगों को होती है okay? So move it. वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं मैं हूं सल्ला द रॉक स्टार द न्यू अपकमिंग सिंगिंग सेंसेशन जा यार ये क्या चॉकलेट का रैपर पहन के तू क्या सिंगिंग सेंसेशन बनेगी इंट्रोडक्शन देखो आई एम रॉकिंग सेंसेशनल तुम बोलो कि कभी कभी इमोशनल समटाइम्स फालतू एशनल क्या है ये कहां से क्या बन के आई हो तुम इट्स कॉल्ड ब्लिंग इट्स द रॉकस्टार लुक कपू तुम नहीं समझोगे तुम रहने दो वैसे आप लोग बहुत अच्छे मौके पे आए क्योंकि आज म्यूजिक की दुनिया में मैंने अपना पहला कदम रखा है oh, wow.
ये बहुत टैलेंटेड है, कहीं पे भी फायदा देखती है उधर कदम रख लेती है। परसों पड़ोस में राजमा चावल बने, इसने उधर कदम रख दिया जाके, उन्होंने फिर कटोरी में दिया, खा के निकली। तुम क्यों ऐसे काम करती हो सरला? आप लोगों के सामने ये आदमी एक सिंगर की बेइज्जती कर, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिंगर देख लो, परसों तबला इसने पहली बार देखा, छोटे वाले तबले को देख के बोलती, ये कैसा पिगी बैंक है, कॉइन कहां से डालते हैं? तुम तो ऐसी बातें मत किया करो सरला। पप्पू तुम जानते नहीं लेकिन म्यूजिक मेरी खून में है। ओए सारी बात बताना, खून में म्यूजिक है, बालों में जुए, एड़ियों में दरारे, सारा बताना। एड़ियां कब देखी? परसों रफू वाले के पास गई, कहती मेरी एड़ियों की दरारें भर दो, नेक्स्ट टाइम होंठ फटेंगे तो हमारे को डेंगू कॉन्ट्रैक्ट। ये बातें करके आती है। मेरी जो पूरी फैमिली है आप तीनों की बहुत बड़ी फैन है। ओह थैंक यू, थैंक यू। ये हमेशा ऐसा करती, मैं आपको बता दूं, उस दिन हंसराज हंस जी आए थे, कहती ओह वाओ हंसराज हंस जी, मेरे दादाजी के पास दो हंस थे। किसी को भी बोल देती है, पिछली बार तो कहर ही हो गया। अब वुमेन क्रिकेटर टीम आई, उनको बोलती है ओह माय गॉड मेरे दादाजी भी वुमेन क्रिकेटर थे। जी नहीं, तुम ना तुम कान के डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा था मेरी दादी जी वुमेन क्रिकेट में खेलती थी। तो दादी भी तो दादा ही साड़ी पहन के बनता है ना वो। उसमें क्या गलत कहा मैंने? देखो तुम ना यहाँ पे जो फालतू बातें कर रहे हो, और वहाँ मेरा वीडियो आज यूट्यूब में वायरल हो रहा है पाजी। ओह आपने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो? इसने वीडियो बना के इतना वायरल हो रहा है ना, खुद का सेल्फी लेके बनाया है, कहती इस लड़की ने 25 साल में एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, इसको इतना शेयर करो ताकि किसी हलवाई के पास पहुंच जाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है इसका। देखो तुमने मेरे गाने का वीडियो देखा भी नहीं है, ओके? और मैं सबको बता दूं कि मेरे गाने के फैंस चारों तरफ है। जैसे हाँ सेम आपकी जितनी पॉपुलरिटी है, जैसे आपका गाना सुन के भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इनका उल्टा है, भीड़ इकट्ठी होती है तो ये गाना शुरू करते हैं। लेकिन बात तो एक ही हुई। बात एक क्या हुई, सिस्टम अलग अलग है ना। ये प्रीपेड सिंगर हैं, इनके टिकट पहले बिकते हैं, इनका पहले गाना गाते हैं उसके बाद लोग दे जाते हैं, तो कभी कभी तो आटा दाल वगैरह भी ले लेते ना तुम लोग। देखो तुम इतनी बकवास करो, तुमको पता ही नहीं मेरी पूरी फैमिली म्यूजिकल है। मेरे दादाजी राग दरबारी गाते थे। राग दरबारी नहीं पाजी, कह रहे दरबार के बाहर दरबारी थे। गेट खोलने बंद करने का काम होता था, झूठ की बोलती है सरला हर बार। अरे तो गाते तो थे ना। गाते तो नहीं, ये कौन सा गाना होता, इधर हट जाइए भाई साहब गाड़ी आ रही है, ये कौन सा गाना होता है? अरे लिरिक्स होते कि नहीं होते तुम? अरे लिरिक्स होते हैं, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ, पर लिरिक्स पप्पू। एक लड़की जब इतना एफर्ट करे उसके लिए तालियां तो बनती हैं। सरला क्या है, सीधी सीधी बात करो, जब भी कोई आर्टिस्ट आते हैं अपनी फरमाइश लेके आती, तुम्हारी फरमाइश क्या, आज की ताजा फरमाइश क्या है? आप तो देख ही रहे कि आदमी पैदा ही हुआ है मेरा दिल तोड़ने के लिए, तो मेरा दिल रखने के लिए तो आप एक अच्छा सा गाना गा दे तो मैं भी फिर खुशी खुशी एग्जिट ले लूं। सर बहुत मजा आया आप सबसे मिलके, म्यूजिकल इवनिंग हो गई आज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बेनी, बहुत मजा आया। और आप जब भी आते मजा आता है, आप इस शो में आज पहली बार आए और जब भी आपसे मुलाकात होती बहुत अच्छा लगता, जोरदार तालियां। थैंक यू सर, एक सेल्फी आप सबके साथ। अरे हाय हाय भैया, आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पाजी इतने हिट हिट गाने दिए हैं, एक चक दे इंडिया का मेरा बड़ा फेवरेट है। और बड़ा आजकल क्या होता है, जब भी इंडिया कोई मैच जीतता है, कुछ भी होता है, कुछ अच्छा होता है इंडिया में, तो ये गाना हमेशा बजता है। ये आइकॉनिक सॉन्ग हो गया, ये देश का क्रिएट कर दिए, देश का गाना हो गया। वो हम दो लाइनें इनसे जरूर सुनेंगे। आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।